नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन हॉर्सेस चैनल पे। आप देख रहे हैं ददरी मेला में संपन्न हुए सेमीफाइनल राउंड वन की वीडियो। दिस वीडियो इज कैप्चर फ्रॉम बलिया ददरी मेला हॉर्स रेस सेमीफाइनल राउंड वन। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने लोगों में शेयर करें। आगे भी इस प्रकार की वीडियो आपको रेगुलर इस चैनल पर मिलने वाली है, तो इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन का बेल ऑन करें ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले उसकी अपडेट आपके पास पहुंचे। वैसे तो जब भी आजमगढ़ के इस घोड़े ने रफ्तार पकड़ी तो सभी दर्शकों की निगाहें सिर्फ इसी पर टिकी रही, पर हर बार ये मोड़ पे घोड़ा इतना स्लो हो जा रहा था जिसके कारण पीछे वाले घोड़े इसके समीप पहुंच जा रहे थे। और यही दुर्भाग्य रहा इस घोड़े और सवार के साथ, जो फाइनल रेस में इसे चौथा स्थान प्राप्त हुआ। इस चक्र में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ आजमगढ़ शरीफ सवार के घोड़े को और दूसरा स्थान प्राप्त किया वंश नारायण यादव गाजीपुर के घोड़े ने। जैसा कि हर चक्र में आप देख ही रहे हैं कि जब भी घोड़ा मोड़ से मुड़ता है उसके बाद सीधे कितनी रफ्तार पकड़ रहा है, पर हर बार हर चक्र में मोड़ पे घोड़ा स्लो हो जा रहा है, नहीं तो ये वाकई घोड़ा काफ़ी सुंदर चाल में दौड़ रहा है। आशा है कि आने वाले दिनों में जब भी शरीफ सवार को फिर से रेस लड़ने का मौका मिलेगा उस समय ये बखूबी इस घोड़े को ट्रेंड कर चुके होंगे, क्योंकि यहाँ से जाने के बाद इसकी लगातार ट्रेनिंग जरूर चलेगी और अपने हिसाब से इसे शरीफ सवार ट्रेंड जरूर कर लेंगे। और जब भी इस घोड़े को अगर गोल चक्र की कहीं भी राउंड प्राप्त हुई तो वहाँ दूसरे घोड़ों को इसके साथ बखूबी टक्कर लेने के लिए आजमाइश करनी पड़ेगी। आशा है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं फिर अगली इन्हीं चक्र की और वीडियो के साथ।